हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये हमारा नेट फैब्रिक है और ये मैं कॉटन का अस्तर ले रही हूं। और यहां पे अगर आप कॉटन का अस्तर यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहे इसके साथ सटेन वाली फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी शाइनिंग होती है और इससे ब्लाउज काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अस्तर कपड़े को 2 फोल्ड लगा लिया है। और यहाँ से अब हम नीचे से एक लाइन के साथ ड्रॉ करके कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। इससे कपड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा सीधा हो जाएगा। और यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो तैयार लेंथ हमें 14 इंच रखना है। तो टोटल लेंथ हमें 15 इंच पे लिया है, 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन का। और अब हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 34 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से शोल्डर 7 इंच पर रखना है और आर्मोस भी हम 7 इंच पर भी रखेंगे। और इस तरीके से यहाँ से भी आपको 7 इंच से बिल्कुल मार्किंग कर लेना है। और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ से हम 1 इंच आर्मोल्स की गुलाई रखेंगे और चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 34 साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसका 4th पार्ट लेंगे, 8.5। 1.5 इंच हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन को रखा है, आप चाहें तो 2 इंच भी सिलाई मार्जिन को ले सकते हैं। इस तरीके से हम आर्मोल्स की गुलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है और अब हम यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। देखिएगा, 1/2 इंच ही हमें शोल्डर को यहाँ से डाउन करना है। बोट नेक पे हमें इस तरीके से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना होता है। कमर है हमारा यहाँ पे 28 इंच, तो इसका भी हमें 4th पार्ट लेंगे, 7 इंच। 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है, 1 इंच में देखिए बैक साइड में प्लेट्स लगाएंगे, उसके लिए 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। अच्छे से लाइन को मिला लेने के बाद अब हम बोट नेक तैयार करेंगे। तो बोट नेक की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ ऊपर से इसकी व्रीज 3.5 इंच पे रखी है और नीचे से भी हम इसकी लेंथ 3.5 इंच पे रखेंगे। 3.5 इंच पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें छोटा नेक हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आपको छोटा नेक का लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हम देखिए नेक से 2 इंच हम इस तरीके से छोड़कर इस तरीके से मार्किंग करेंगे, जहाँ से हमें दूसरे नेक को ड्रॉ करना है। नीचे से आप 1.5 से 2 इंच छोड़ लें तो टोटल हमें यहाँ पे 7.5 इंच की लंबाई में नेक को तैयार करना है। तो इसकी मार्किंग भी हम 4 इंच पे रखेंगे। देखिएगा, इस तरीके से नीचे से हम इसकी मार्किंग 4 इंच पे रखेंगे और यहाँ से भी हमें 4 इंच पे मार्क कर लेना है और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सभी लाइन को मैंने मिला लिया है और अब हम यहाँ से देखिए नेक को बना लेंगे। तो इस तरीके से नेक डिज़ाइन आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब आपको यहाँ से नेक लाइन को छोड़कर बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। देखिएगा, कुछ इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और नेक लाइन को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को 2 फोल्ड करके हम इसे यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छे से हम सेट करके पिन से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिएगा, ये पिन से हमारा अटैच हो चुका है और यहाँ से हम देखिए एज इट इज मार्किंग करेंगे। तो सेम तरीके से मैंने मार्किंग को कर लिया है और 1 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा बाहर की ओर से लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये देखिएगा, इस तरीके से नेक को मैंने फिनिशिंग के साथ मार्किंग कर लिया है और पिन को हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से हम फोल्ड करेंगे इसे। देखिएगा, फोल्ड करके हमें इस तरीके से पिन से अटैच कर लेंगे और अब हम पेपर पेस्टिंग पे इसकी कटिंग को कर लेंगे। तो सबसे पहले बाहर वाले लाइन से आप फिनिशिंग के साथ इसको कट कर लें। इसके बाद आपको देखिए इस तरीके से अंदर वाले लाइन से होते हुए आपको नेक की कटिंग करनी है।
तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट पेपर पेस्टिंग पर इसकी कटिंग को कर लिया है, और इसी तरीके से हमें सेम प्रोसीजर से बोट नेक की कटिंग करना है। तो देखिएगा यहाँ पे छोटे नेक की लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से टेच करेंगे, अच्छे से हम पिन से टेच कर लेंगे, और यहाँ से भी हम एज इट इज मार्किंग करेंगे। और इसमें अब आपको एक इंच बाहर की ओर से एक्स्ट्रा रखना है, और यहाँ से इसकी मार्किंग कर लें पूरी गोलाई की, नेक के अकॉर्डिंग हमें गोलाई से इसमें मार्किंग करना है। इस तरीके से फोल्ड कर लें, और इसके बाद पिन से आप अटैच कर लें, और इसे भी सेम प्रोसीजर से आप इसको कट कर लें। ऊपर की ओर से एक इंच रखते हुए आप कटिंग करें, इससे बोट नेक आपका बहुत परफेक्ट सेट होगा। और यहाँ से अब हम अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है, अच्छे से हम कट कर लेंगे, और यहाँ से अस्तर को आप सेट करें। तो मार्किंग वाला पार्ट आप ऊपर की ओर रखें इस तरीके से, तो इसे मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया हो, और पिन से भी अटैच कर लेंगे। पिन से अटैच कर लेने के बाद अब हम इसके चारों ही साइड एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट अटैच कर लेना है आपको। तो हाथों से आप अच्छे से सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा लें। तो ये हमारे नेट फैब्रिक के साथ अस्तर को मैंने अटैच कर लिया है, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे, अच्छे तरीके से कट करके हम अस्तर के साथ इसको मिला लेंगे। तो ये देखिएगा कटिंग हमारी हो चुकी है, और अब हम पिन को इससे बाहर निकाल लेंगे, अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे इसे, और यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग के कटिंग को एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। और आप चाहे तो इस तरीके से आप इसे प्रेस की मदद से भी चिपका सकते हैं, और मैंने यहाँ पे पिन से इसे अटैच किया है, और इस तरीके से हम इसे कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट अटैच कर लेंगे। तो यहाँ सिलाई हमारी अंदर की ओर से रहेगी, और यहाँ से देखिए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हमें फोल्ड करने के लिए जितना कपड़ा चाहिए उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट कर लेंगे इसे। तो हाफ इंच हमें यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े को रखते हुए बाकी के सारे कपड़े को कट कर लिए हैं, और इसमें हम छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे, ताकि जब इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा फोल्ड हो जाए, और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ से हमें फोल्ड करते हुए सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है, और इसी तरीके से हमें छोटा नेक भी तैयार कर लेना है। सेम प्रोसीजर से हम इस नेक को यहाँ पे तैयार कर लिए हैं, और अब हम यहाँ पे इसे सेट करेंगे। तो अच्छे से हमें सेंटर पॉइंट से इसको मिलाते हुए सेट कर लेना है, और इसे हम पिन से पहले अटैच कर लेंगे। और यहाँ से अब देखिएगा इस तरीके से आपको पेपर पेस्टिंग से होते हुए यहाँ से चिपकाते हुए एक सिलाई लगाना है, इससे हमारा मेन फैब्रिक के साथ ये अटैच हो जाएगा, और हम पिन को बाहर निकाल लेंगे। और इसमें देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से नेक की मैंने कटिंग कर लिया है, और अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे, और इसे अंदर की ओर आपको देखिएगा इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल एक कॉर्नर की सिलाई लगा लें इसमें, तो ये हमारी नेक पर बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई रहेगी। तो नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम सेम इसी तरीके से इस नेक पर भी अंदर की ओर से सिलाई लगाएंगे।
तो ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई पेपर पेस्टिंग पे ना जाए और बिल्कुल हमें कॉर्नर से सिलाई लगाना है। तो ये देखिएगा, इसे मैंने सिलाई से कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेंगे। पिन को आप बाहर निकाल लें और यहाँ से हाफ इंच कपड़े को रखें। सिलाई मार्जिन का कपड़ा आपको साथ में रखना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेंगे। तो कटिंग को मैंने कर लिया है और इसमें हम छोटा छोटा कट्स लगाएंगे। अच्छे से कटिंग कर लेने के बाद हम इसे अंदर की फोल्ड करके एक सिलाई कॉर्नर से इस तरीके से आपको लगाना है। अच्छे से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, कटिंग हमारी हो चुकी है और यहाँ से अब हम कमर पट्टी को तैयार करेंगे। तो कमर पट्टी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे दो फोल्ड इस तरीके से लगाएंगे। दो फोल्ड लगाकर आप इस तरीके से एक सिलाई से कंप्लीट अटैच कर लें। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है और इस तरीके से आप यहाँ पर खोल लें इसे और यहाँ से हम दोबारा सिलाई लगाकर इसे अस्तर पर फिनिशिंग देंगे। अस्तर की फिनिशिंग हो जाने के बाद अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई से कंप्लीट अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा, कमर पट्टी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसे इस तरीके से हम यहाँ से पलट लेंगे और अब हम यहाँ पे डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैंने मेन फैब्रिक से ही प्लेन कपड़े को लिया है और ये 3 इंच की चौड़ाई में मैंने इसे लिया है। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, दो फोल्ड लगाकर हम एक सिलाई कॉर्नर की लगाकर इसे कंप्लीट अटैच कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मैंने सिलाई को लगा लिया है और अब हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो पिन की मदद से आप इस तरीके से यहाँ पर इसे पलट कर सीधा कर लें। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आपको पूरी ही इस नेट के कपड़े को सीधे कर लेने हैं और यहाँ से आपको इस तरीके से फ्रिल तैयार करना है। तो हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट से सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे और हाथों की मदद से ही आप छोटा छोटा प्लेट्स बना लें। तो यहाँ पे मैंने फ्रिल को तैयार कर लिया है, बिल्कुल सेम हमें कपड़े को लेते हुए 3 इंच की चौड़ाई में मैंने इसे रखा है और यहाँ से भी हम इसे डबल फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड से अटैच हो चुका है और इसके हम फ्लावर तैयार करेंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से, इसे इस तरीके से आपको घुमाते हुए फोल्ड करना है और यहाँ से आपको देखिएगा छोटा छोटा प्लेट्स बनाकर इस फ्लावर को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए प्लेट्स बनाकर पूरी ही राउंड में हमें इसे सेट कर लेना है। तो टोटल 2 राउंड में हमारा कंप्लीट हुआ है और यहाँ से हम इसे सुई धागे से अटैच कर लेंगे। अच्छे से ऊपर से ये फिनिशिंग आपको दे देनी है, यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे और सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेंगे।
इधर से भी हम धागे से इसे सुई धागे से अटैच कर लेंगे। तो घुमाकर आप इस तरीके से अटैच कर लें, इससे अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाएगा। और इसमें हमें एक रेडीमेड स्टोन को अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये फ्लावर रेडी हो गया। और इसके साथ हम यहाँ पे देखिए लटकन को अटैच करेंगे। तो लटकन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेडीमेड डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो सेम फैब्रिक से भी डोरी को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें इस तरीके से लटकन को रेडी कर लेना है, दोनों ही साइड हमें अटैच करना है। तो ये हमारा अटैच हो चुका है और अब हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर लें, अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ से हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है और यहाँ से आप देखिए इस तरीके से इसमें छोटा सा गांठ बना लें, इससे ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। और यहाँ से सुई धागे से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर डिजाइन बनकर तैयार हो गया है और अब हम यहाँ से बैक पार्ट में इस तरीके से हमें ओपन रखना है। आप चाहे तो अगर ओपन रखना नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ्रिल को अटैच कर लें। तो मैं यहाँ पे हाफ से अटैच कर रही हूँ, आप देखिएगा इस तरीके से। तो फ्रिल को हम अच्छे तरीके से हाथों से सेट करते हुए सिलाई से कंप्लीट अटैच कर लेंगे और इस तरीके से यह डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ बीच सेंटर से आप यहाँ फ्लावर को भी अटैच कर लें और यह डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बनकर हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।